महीना रहा मैं उधर जर्मनी टू इंडिया सेकंड टाइम जा रहा हूँ मैं दो टू एंड हाफ ईयर के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये तो फाइनली यहाँ से हम सब शिफ्ट होने वाले। मीत आ गया था कल रात को और मीत भी इंडिया जा रहा है, उसके बाद गगन भी इंडिया जा रहा है और मैं यही हूँ। मैं मे भी बर्लिन जा सकता हूँ। बताते रहेंगे गाइस, आपको बने रहे हमारे साथ। व्लॉग पीला टोपा सब कुछ हमारे साथ है और बने रहेंगे। आज रात की कब है? रात की 10 बजे की फ्लाइट है मेरी और फ्लाइट नहीं है, ट्रेन है और कल फ्लाइट है। कुल मिला के 3 दिन लगेंगे और 3 दिन आपको बताएंगे। हम आपको सारा बताएंगे, आपको सारा बताएंगे किस तरह से हमने टिकट की। अभी हम भाई ने टिकट करी है। कौन सी एप्लीकेशन से किया भाई आपने टिकट? डीबी, उसको डॉइचे बान बोलते हैं, डॉइचे बान बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जर्मन में। और वहां से टिकट करके हम जा रहे हैं। मैं ये अलग जा रहा हूँ, मैं अलग जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं पहले फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट होगी मुंबई, मुंबई टू चंडीगढ़। तो मिलते हैं आपको चंडीगढ़। मेरे फैंस जितने भी हैं चंडीगढ़ में पहुंच जाना और मुझे चंडीगढ़ से लुधियाना ड्रॉप कर देना। मेरे पास कुछ नहीं है, टेम्पो से जाना पड़ेगा, वहां से बस लेनी पड़ेगी। मेरे घर वाले लेने नहीं आए। मेरे घर वालों को बोला कि मुझे लेने आ जाओ चंडीगढ़, बोले कि नहीं तू वहां से पंजाब रोडवेज आती है, वहां से आप बस से आ जाइए। ठीक है, आपको मिलते रहे, बने रहे वहां से। नहीं बताया तो फक यू। अभी चॉकलेट लेने जाना, बहुत सारी चीजें करनी है। भाई को ड्रॉप करने में जाऊंगा। तू तो 30 तारीख को जाएगा यहाँ से, ये लाइव स्टेशन आएगा और भाई जो है आज आएगा। भाई कहा देखो जाना, 5 बजे जाना है भाई मेरे को। 10 बजे ट्रेन है आईसी हार्बुर्ग। चलो ठीक है, 5 बजे जाएंगे हार्बुर, रात को ड्रॉप करने आएंगे भाई को। बढ़िया। और उसके अलावा जो है आज चॉकलेट वगैरह लेना, सब दिखाएंगे आपको कौन सी चॉकलेट क्या ले। ये खजाना ऐसा निकलता है, मेरा भी एक बैग है उसमें बर्तन अभी तक पड़े हुए। नहीं बताओ, पनीर खाऊंगा आज और कल के पैसे देते भाई साहब। बात कल के पैसे मिल जाएंगे, पनीर का पता नहीं, वादा हुआ था 10 यूरो का और पनीर अलग से। पनीर भी खिलाएगा भाई, पिना पिसो भी खिलाएगा, पनीर भी खिलाएगा, उसके बाद सब तू करेगा। पेट किया तेरे लिए, लेगा नहीं इधर से जो शराब पे 100 यूरो खर्चा हो गया। चल ठीक है, पनीर खिला दूंगा मैं, सॉरी तिरामिसू खिला, तिरामिसू मैं फिर मफिन खिला देता हूँ बस। 30 यूरो पीस आगे दिलवा दिए मेरे से अलग से। गाने लगा दे। कौन सा गाना लगा है? कोई भी लगा दे यार। कौन सा सुनेगा बता? कुछ भी। चक्कर चक्कर ओ मुंडे दी भाई, चक्कर चक्कर। जा बस ठीक है, बाजी की चाय ले भाई, पैसे ट्रांसफर कर दे भाई फटाफट। अरे हाँ मैं कह रही हूँ, क्या टास्क दे दिया तूने यार भाई, यही तो है ना। वो निशान के पास जाओ भाई। देख भाई तेरे में वो है, तेरे में वो नहीं है। मेरे में वो है, मेरे में वो नहीं है। गर्मी की मंगल ये क्यों है? अरे कुछ नहीं पैसे। अरे पाजी ये यही तो फन है। पैसे नहीं काटते पैंट चौके से। पैंट तो 40 यूरो से कल पिज्जा मंगवा ले। अच्छा भाई बाद में पिज्जा मंगवाए 40-35-35 यूरो के। उसने बोला कि ये पैसे देगा गगन। नहीं गगन के कैश मैंने ले लिया, मैं तो खाया भी नहीं। मैंने गगन इसे खाया भी नहीं पर 5 यूरो दे दिया। बाकी इसने वादा किया था 10 यूरो देगा ये पिज्जा के। अभी आज वापस खाना है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ मैं 7 बजे दे जाऊँ, क्या दिक्कत है? हाँ सही है, पूरा करेंगे देखने। वही तो बोल रहा हूँ, इसको पता ही देगा। लेकिन मेरे को राजनीति पता अभी चाहिए, मेरे को अभी इसलिए चाहिए क्योंकि तू बराबर कर देगा। और मेरे को आज कुछ नहीं लाना है, नहीं, नहीं। सब तू खिलाएगा। हाँ चल ठीक है, तो फिर मैं 10 में ट्रांसफर नहीं होंगे। यही तो, इसीलिए तो पहले ले रहा हूँ। तो इसीलिए रुक जा, भानु दे देगा पहले तो ट्रांसफर कर दे। नहीं दिन खत्म होने दे, रुक जा। अरे भानु तेरे 10 रुपये में कहाँ लेके जाऊंगा यार? कैसे कैसे लोग, इनको तो खिलाओ पिज्जा खिलाओ। अभी कपड़े निकाल दूंगा मैं, अभी कपड़े निकाल। मैंने बोला था ना चने खा लो, मैंने बोला चने खा लो यार, बनाया है बना। भगवान ए नहीं हे प्रभु ए रंगनाथ, ए रंगनाथ बचाओ हमारा कोचा खो गया। कोचा नहीं नहीं बनू मैं अभी ट्रांसफर। कोई ना आराम से कर दियो। अरे मजाक की बात है यार, फन है लेकिन कर दे ट्रांसफर। हां पक्का बाद में कर दे। ये 6 महीना रहा मैं उधर, मजा आ भाई। चिल है और ये जर्नी अब एंड होने वाली है। ये जर्नी अब लॉन्ग टर्म से एंड होने वाली है, लॉन्ग टर्म। क्या क्या
हम लोग लेने आ गए हैं चॉकलेट्स, क्योंकि भाई चॉकलेट भी लेके जाएगा ना। तो भाई हम आ चुके हैं, अब कहाँ पर आ गए हैं? कहीं तो आए हैं भाई, मॉल वॉल में आ गए हैं कि चॉकलेट्स लेनी है। मेरे क्या आवाज़ नहीं पहुँची क्यों? अच्छा हेलो भाई, हेलो। तो भाई भाई ये भाई ना बोलता नहीं, क्योंकि इसका कोई बहुत बात करने वाला चाहिए, जैसे मैं कैमरे के सामने अकेला ऐसे हो जाए यार। चलो हम चॉकलेट ले लेते हैं फिर चलते हैं ना। पैसे जमा हुए ना? पैसे जमा कर दिए मैंने। अच्छे वाली लेना लड़की। और अगर चॉकलेट्स लेनी है, चॉकलेट्स जो भी वगार होती है, वगार मतलब जो ऐसे बोल देते हैं कि मेरे लिए बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए चॉकलेट खरीद जाता हूँ। ऐसी ले जाऊँगा जो वहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ की बहुत सस्ती ब्रांड की होती है, और उनको ऐसा लगेगा कि भी ये तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आया। और ये वीडियो सब बाद में देखेंगे जो चॉकलेट खाएंगे, और सबको वीडियो भेज दूंगा कि ये तुम्हारे लिए चॉकलेट्स यहाँ से लेके आए। चॉकलेट कोई आएगी 10-20 रुपये की। टोटल 8-10 ले रहा, देखो। और मैसी भी ले लो, ये सस्ती में नहीं मिलती। कहाँ मर्सी? हाँ, ये ऑफर में ले है ना। मैं भी ऑफर में मिलता था, चॉकलेट ले लेता भाई। ले लेते हैं ना, सलाह बहुत देता है। गैरी ने ले लिया चॉकलेट, इतनी सारी। ये मैसी है, राफेल है, अलग अलग, और साथ में इतनी सारी राफेलो भाई के, और इतने कि मिल गया भाई को पहचान का। ठीक है, TVHH के आसपास रहते ना, तो जानते हैं सब। कॉल नहीं, वो गैरी आ रहा है ना। गैरी आने से पहले ये बोल रहा है कि ये पैकेट खोल लेते हैं हम और खा लेते हैं। तो एक भाई एक खा लेते, कोई चक्कर नहीं। हाँ हाँ ठीक है। एक से कुछ नहीं होता, इसने इंसिस्ट किया मेरे को। ठीक है भाई, एक से कुछ नहीं होता, इतनी सारी लिए उसने पूरे बैग में। तो एक तो ठीक है भाई, ये यानी हमने तो वो एक एक ले लिया। कोई नहीं थी कभी रखा है भाई ये तो। अच्छा बंद हो जाएगी ना। भाई का थोड़ा मूड ऑफ कर दिया, क्योंकि ये अंदर गया और हमने जब तक ना इसकी चॉकलेट खोल के खा गए। तो अब मैं तेरे को 2-0 कम ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हम सारे खा ले। क्या ठीक है, एक ही है। ठीक है ठीक है। क्या भाई पिज्जा के पैसे दे फिर, देख ले पैसे दे। हाँ दे देंगे भाई, क्या हो गया। हाँ दे देंगे। नहीं नहीं दे रहा है ये पैसे, नहीं दे रहा। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, नहीं दे रहा है पैसे। दोस्ती दोस्ती गई बाढ़ में पैसे। मुझे इनको पनीर भी खिलाना है यार, अभी क्या करूँ। तो पनीर में एडजस्ट नहीं करेगा तू? तो पनीर इसका मतलब प्लान ये है कि एडजस्ट कर देगा पनीर खिला के वो। हाँ। 10 यूरो, लेकिन मैं नहीं करने दूंगा ये। पनीर 5 यूरो का आएगा और 3 बंदे खाएंगे। नहीं 2 पनीर लेऊंगा ना मैं, 2 लेऊंगा तो भी 10 यूरो का आएगा। तो गाइस ये तो फिर पनीर तो उससे ही मिलेगा। थोड़ा से आलो को तो भेंचो, जितलू खाए लोग खाई ले। हमें हिंदी ऑडियंस गुजराती है। चलो कोई बात नहीं यार, देखते एडजस्ट करते हैं। शाम के 3-4 बजने वाले हैं। और पता है मीत आया था लाइपसिश से, और अगर जो मेरे देख रहे ना यूज़र्स, जो भी सब्सक्राइबर हैं, एक वीडियो आया है जिसपे ना अराउंड 20K होने वाले हैं आई थिंक। हाँ 10-15 हज़ार। तो वो वीडियो में भाई है अमेज़ॉन गए हम, वहाँ पे मस्त। अभी गगन गया प्रिंट आउट करवाने शॉप पे, और प्रिंट आउट के बाद फिर वापस घर जाएंगे, कुछ बनाएंगे खाएंगे। यार बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, पता है इंडिया जाते हो ना, चॉकलेट्स वगैरह, और कुछ लोगों ने बोला होता है ये लेके आना वो लेके आना, तो ये सारी चीज़ें कि जो भी है प्रिपरेशन चल रही है। अभी चॉकलेट ले ली है, प्रिंट आउट निकलवा ली है, बाकी एस सच शॉपिंग ऑलरेडी हमने कर ली थी 3-4 दिन पहले ही सारी, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आज बैठेगा भी 2-3 दिन बाद पहुँचेगा, हॉल्ट्स बहुत सारे उसके बीच में, इसलिए वो कितना बड़ा ना। ऐसा नहीं खाते यार, काट लेते हैं थोड़ा, काट लेते ना वो, देख कैसे है, कुछ आपको काटना पड़ता है। ऐसे नहीं, अच्छा बीच में वो करना पड़ता है। तुम्हारी कहाँ हलवाई आए हम? आए मास्टर शेफ हैं, सूरत से आए डायरेक्ट हलवाई हमारे। ओ भाई साहब वाह यार, अखरोट ना है, अखरोट है दोबारा फिर। अखरोट वाले प्रजन अखरोट क्या खाना है।
कोई दाल नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई सब्जी नहीं, सिर्फ ब्रेड। ये तो ये हमस में नहीं खाते ये लोग, तो ये लोग नहीं खाते भी, और ये तो बस यही खाते हैं ये लोग, इस पे बटर रख के। मैंने जर्मन ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया सुबह, ब्रेड ये वाला, इस पे बटर, गुड़ का और चीज, और पनीर सूखा सूखा है ना, चट्टी बहुत फसफस के आती होगी, नहीं गुड़का सा हो जाता ना, पानी नहीं है ना, फाइबर क्या करेगा, अच्छा पानी भी चाहिए होता है वो पीना चाहिए पूरे दिन में, मैं तो पहले पानी पीता हूँ फिर पुश टुक करता हूँ, यार की चाय पी के वो अच्छा, पहले ये गर्म पानी पी लेता है ना, दूसरे ब्रोड जितने मर्जी खाए कोई चक्कर नहीं। हमारा क्या ब्रेकफास्ट लंच ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जब भूख लगी तभी फूड है बस, कोई ब्रेकफास्ट लंच ऐसा कुछ हमने वो नहीं किया। अच्छा कैमरा करना, अच्छा तभी जमीन से हार रहा है तभी हुआ, अभी तो हूँ इतने टाइम तक गाली क्यों नहीं निकली इसके मुंह से, खा भी कितनी तमीज से रहा है थोड़ा लेके, थोड़ा खाता है बैठ के ना, थोड़ा लेके ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता है, ऐसे तो कभी खाया नहीं इसने तो कैसे खाते हैं रात में, कल कैसे रहा है अभी तो, फिर कैसे खाते हैं मैं दिखा रहा हूं, तो घोड़ों से भी बत्तर खाता है खाना खा जाता है, खाना होना बहुत सारा, बिना खाने कुछ नहीं जिंदगी, इतना टाइम तो पता नहीं कैसे चला दिया इसको, तो दूसरी तीसरी बुर्की में खत्म, आओ आया अरे तो इतनी उंगली जा रही है तो पूरा पूरा हाथ चाट जाता है, दूसरी तीसरी बुर्की में तो पूरा भाई परसों बताऊंगा आपको, आज तीन बंदों का अकेला राशन खा गया, चार बंदों को खाना बनाया था, चौथा ये था जो पहले तीन थे उन तीनों का खा गया ना, चो देता है दाल बन, ऐसा कोई कुकर नहीं बना जो बालू का पेट भर दे, इतना भी नहीं खाता हूं जाने से पहले मीत स्पैगेटी खिलाएगा, मीत की तरफ से ट्रीट है, कोई सभ्य वाली कोई बात ही नहीं है, तुम जर्मनी में आए ये मतलब क्या है, कुछ भी लेने देने की बात आ गई तो ये कोई गलत अच्छी बात नहीं है, कोई सभ्य बात नहीं है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये चीज अभी ले लूं लेकिन तुम्हारे मुंह को सूझ नहीं करेगी, ले ले यार भाई खुला दे, अच्छा कुछ बहुत खराब से बाजू में, पर आज बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें ही खा रहे हैं, मफिन हमने लिए दो, और झूठे में वो कुत्ते से बहुत डरता है मीत, तो इसके सामने आ गया वो बोल रहा था कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ना टेस्टी है ना मफिन ये वाला, और टीरामिसू भी लेके आया, टीरामिसू भी खाएंगे अभी, अब पैसे मैंने दिए उसके फिर से आ गया, क्या है भाई ये, ठीक है क्या हो गया नीचे में दे दे तू, मैं यार स्पैगेटी स्पैगेटी हम तो नूडल बोलते हैं इसको, और उसके ऊपर इसने स्पैगेटी इतनी मस्त बनाई है इसने, सॉस का ही कमाल है, बाकी तो बॉयल तो कोई भी कर देगा, बड़ा देखिए ना भाई वो गेट खोलना यार, हाय ऐसे ना खाने और आ जाते हैं, पता चल गया नीचे तो नीचे से भी खाने आ जाओ, वगारे बहुत आती है, ये देखो ये देखो वगारे वैसे ही आ गए, मतलब कोई ऐसा ऐसा कुछ प्लान इसको बोला ही नहीं कुछ नहीं, इसको पता है कि खाएंगे इस टाइम पे तो आ गया खाने, भूखा शेर हूं मैं, ठीक है भाई खा ले, बढ़िया बनाई है, अरे एकदम मजा देगा, हाँ भाई उन्होंने की तैयारी हो रही है जाने की तैयारी हो रही है जाने की, कैलिस्थेनिक होता हो और भाई तो हम जा रहे हैं जर्मनी टू इंडिया, सेकंड टाइम जा रहा हूं मैं, दो टू एंड हाफ ईयर के बाद तो मिलते हैं आपको, रोका करवाने नहीं जा रहे यार, रोका करवाने तो मिलते हैं आपको इंडिया में, अब तो जर्मनी टू इंडिया व्लॉग, स्टे ट्यून्ड, तो आपको
दिखाते रहेंगे तो जा रहे होंगे भाई, मैं तो देखो करूँगा ना, जा रहे हैं से बैठे हैं तो हामबुक के बाद अभी सुबह पहुँचूँगा फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट से जर्नी ये है कि फ्रैंकफर्ट से जाऊँगा मैं अबू धाबी स्टे है 4 घंटे का, वहाँ से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर जाऊँगा लुधियाना। प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, प्लेटफॉर्म 3 या 5-6 लिखा हुआ है, 3 है अभी, 1 से 4 आ गए, तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना है। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, उन्होंने सडनली चेंज कर दिया, अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर जाना पड़ेगा 3 पे। इनसे बकचोदी करवा लो, ये बढ़िया है, फुल बकचोदी। हम लोग आए रेलवे स्टेशन जो यहाँ का पास वाला है ना, वहाँ आ गए, और यहाँ से अब इसकी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, पहले फ्रैंकफर्ट जाएगा, और जो गल्फ एयरलाइंस है वो फ्रैंकफर्ट से ही है इसकी। और ये सामने देखो, यहाँ की मैंने स्टोरी डाली हुई, क्लब है ना, ये क्लब वही वाला क्लब है, कौन सा वाला, जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर है। तो 10:58 पे आएगी, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:23 हो गए, तो अभी हमारे आधे घंटे में आ जाएगी, ये कोई हो ही होगी, यहाँ 25 यूरो में हुई थी मेरी, तो 15-20 दिन पहले बुक कर लो तो सस्ती मिल जाती है, अगर अदरवाइज अगर सडनली बुक करते हैं एट द मोमेंट, इसकी 12 बज जाती है, इसको अभी करवाइए, इसको अभी करवाइए, नहीं तो 12 बज जाती है एट द स्पॉट करते, तो अगर आज ही हम करेंगे तो ये 100 यूरो की पड़ेगी, मेरी बहुत सस्ती हुई गाइस, 17 यूरो में, 17 यूरो में, वो भी आज सुबह करिए हफ्ते भर बाद के लिए, लेकिन अगर ये ट्रेन अभी करोगे तो 100-150 यूरो के आसपास तक जाती है, 120 यूरो हमने चेक की थी हामबुक से फ्रैंकफर्ट, जो कि बहुत महंगी होती है गाइस, 1/3 ऑफ योर रेंट, वेरी कॉस्टली गाइस, महंगी होती है गाइस, अफोर्ड करना मुश्किल होता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना मुश्किल, 1/3 ऑफ योर रेंट। बाइक की ट्रेन आ गई है फाइनली, और इस आईसी में जा रहा है, डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट जाती है, यहीं से जाएगी। चल और कुछ ध्यान रखियो अपना, ठीक है, चल बाय। हमें कहाँ चला गया, चलो ठीक है भाई, हो गया, गाड़ी चला गया, और बस अब घर जाना है, ऐसे जर्नी ख़त्म होती रहती है, कहीं जर्नी चालू होती है, कहीं ख़त्म होती है, कोई आएगा कोई जाएगा, ये देखो ट्रेन जा रही है, किसी की ख़त्म होगी, किसी की शुरू होगी, वही ना, कहीं पहुंचने के लिए कैसे निकलना पड़ता है, तो ये अभी निकला है, वापस भी आएगा, लेकिन काफ़ी टाइम बाद गया, अच्छा लगा है हमको भी, सही है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, ध्यान रखना, चलते रहना है, और कुछ नहीं है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना।